पब्लिक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बागेश्वर में नए पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्ष और SOG को चौरस स्नैक की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध तस्करी करने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने चौरस तस्करी कर रहे लोगों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। लगातार तीसरे दिन पुलिस को सफलता मिली है। वहीं SP ने कपकोट में आए दिन चौरस सहित अन्य अवैध धंधों का केंद्र बिंदु मानते हुए अवैध धंधों में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। SP ने सभी अधिकारियों को चरस सहित अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ताई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते पुलिस अधिकारी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर सतर्क हैं। इस बार पुलिस ने दो लोगों को 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। थाना क्षेत्र में इसमें दो लोग जो जिनका नाम एक भजन सिंह और दूसरे का नाम है शंकर सिंह, तो इनके पास से जो है लगभग 3 किलो 22 ग्राम अवैध चरस इनसे बरामद हुई है। तो अभी टोटल हमारा जो है लगभग पिछले 3 दिन का अगर देखें तो लगभग 10 किलो अवैध चरस हमने जो है बरामद की है। तो लगातार नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके लिए मेरे लिए चेतावनी है और मेरी तरफ से कि वो जो है इस काम को छोड़ दें। सर, लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद क्या लगता है कि सर इनका किसी ग्रोह से संबंध है या किसको माल भेजने सप्लाई करते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि जो डिमांड जो है वो ना सिर्फ हमारे उत्तराखंड में बल्कि बाहर भी, बाहर अन्य राज्यों में भी इसकी डिमांड है। तो यहाँ से लगातार जो बाहर के लोग यहाँ से इनके संपर्क में रहते हैं वो यहाँ से जो है सस्ते दामों पर माल खरीद के और बाहर जो है ज़्यादा दामों पर बेच कर वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो एक डिमांड क्रिएट करके की गई है बाहर की वजह से वो यहाँ पे सप्लाई की तौर में उसका जो आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए लगातार यहाँ पे लोग जो है उसका धंधा करते हैं, तो उसके उसी के खिलाफ जो है हमारा ये अभियान छिड़ा हुआ है। तो नशा मुक्ति में सर आपका एक अभियान कपकोट हब बनते जा रहा है इसका चरस और इसका, तो इसको रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर तैनात होगी? इसको रोकने के लिए हम जो है जैसे हमारा जो जॉइंट इंस्पेक्शन जो होगा, मैं जैसे VDM जो हमारी मैडम है उनके साथ भी मैं जाके मैं खुद भी देखूंगा कि कहीं अगर अवैध उस तरीके की खेती हो रही है तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको भी ले जाके हम जॉइंट रेड करेंगे और अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है तो उसको नष्ट करवाएंगे और जो लोग उसमें मिली भगत उसमें पाई जाएगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें देखिए जो भी हमारे पास सूचना आती है अगर जैसे या तो जो हमारे मुखबिर होते हैं वो बताते हैं या हमें रैंडम चेकिंग में अगर मिलता है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है।